जय हिंद दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो एक मतलब एक खुशी की बात है। और आप सभी को पता होगा कि माँ अन्नपूर्णा का जो आइडल था, मूर्ति थी, वो अभी तक बता रहे हैं कि 100 साल पहले पहले चोरी हो गया था, लूटा गया। तो इसमें वर्ड नहीं यूज़ हुआ है, चोरी हुआ लूटा हुआ वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि बार बार जो मीडिया है और गवर्नमेंट ने भी इसको बोला है कि लूट लेके ले गए वर्ड नहीं यूज़ किया है, चोरी हुआ है बोला है। अब चोरी करके क्या करते हैं इसको इंटरनेशनल मार्केट में, पहले भी ये पहले टाइम के काम होते थे कि बेच देते थे। तो इंडिया शुरुआत से एंटीक चीज़ें बनाता आया है, लेकिन ये एंटीक चीज़ों में नहीं, ये अपने आप में भगवान की एक मूर्ति बनाई गई थी और प्राण प्रतिष्ठा वाली ये मूर्ति थी जिसमें पूजा की जाती थी। और जिसने भी इसे चुराया होगा उसने उसे पता था कि इसमें और ज़्यादा मतलब पैसे वैसे मिलेंगे, और 100 साल पहले कुछ काम हुआ होगा चोरी का। और वो जाते जाते देखिए कहाँ तक पहुँची, क्योंकि 100 साल पहले डायरेक्ट कनाडा पहुँचाना इतना आसान नहीं था। मतलब अगर ये मिलती आपको इंग्लैंड और उस एरिया में, तब भी चलो मानते कि लपेट के ले गए थे अंग्रेज़, लेकिन कनाडा पहुंच गई तो इसका मतलब ये बहुत हाथों से ये इधर से उधर बिकी हुई होगी, बेचा होगा किसी ने, ख़रीदा ऐसे करके। इंडिया वालों का हर हर बार कोई ना कोई ऐसी करता है, हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके साथ यही होता है, लेकिन जो शक्ति होती है उसे तो अपने स्थान में आना ही था, और बहुत ही खुशी की बात है कि वो आई। तो ये जो स्टैचू था, ये इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और फटाफट जानेंगे, 5 मिनट में अपडेट करते हैं नॉलेज को। और ये काशी विश्वनाथ में ये स्टैचू क्या होगा वहाँ पे, स्टैचू तो मैं नहीं बोलूँगा, मुझे शब्द भी बेकार लगता है, मतलब माता की मूर्ति की स्थापना फिर से स्थापित होगी 15 नवंबर को। और माँ अन्नपूर्णा की ये मूर्ति है जो वाराणसी से 100 साल पहले चोरी हुई थी, और कनाडा में ये अभी पाई गई है, उत्तर प्रदेश, जो एक टाइम पे उत्तम प्रदेश होता था मतलब उसका नाम भी ऐसी था ना, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस शायद उस वक्त पहले इसको उत्तर यूपी का जो था यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे, उत्तम प्रदेश भी बोलते थे, फिर उत्तर प्रदेश हो गया। द आइडल विल बी इंस्टॉल्ड एट द काशी विश्वनाथ, 15 नवंबर को ये इंस्टॉल्ड होगा। तो इस न्यूज़ एजेंसी के साथ जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीनाक्षी लेखी ने बताया कि ये जो आइडल थी माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति थी वो वाराणसी से करीबन 100 साल पहले चुराई गई थी और अभी कनाडा में पाई गई है। तो आइडल विल बी इंस्टॉल्ड, तो 15 नवंबर को ये वापस इंस्टॉल होगा। अब इसकी हाइट देखते हैं कितनी है दोस्तों, तो हाइट जो है 17 सेंटीमीटर की हाइट है और 9 सेंटीमीटर ब्रेथ है, चौड़ाई है। तो उसके अंदर ये तराशा गया है, तो मूर्ति को उसके अंदर बनाया गया है। द आइडल विच फर्स्ट लैंडेड इन न्यू दिल्ली विल बी रिसीव्ड विद द फैनफेयर, तो इसको पहले जब दिल्ली लाया जाएगा, वैसे ले आए हैं और उसकी वीडियो भी अभी बहुत वायरल हो रही है, तो उसको थोड़ा पब्लिक में फैनफेयर के लिए मतलब दर्शन के लिए घुमाया जाएगा। तो कहाँ कहाँ होगा, कासगंज होगा, कानपुर, अयोध्या और काशी, तो दर्शन ताकि लोग कर सकें। और उसके बाद जो इसमें और कुछ बताया गया है, तो जिसको नहीं पता माँ अन्नपूर्णा जो होती है वो हमारे यहाँ पे सनातन में हिंदुओं में उनको अन्न मतलब अन्नपूर्णा मतलब खाने की देवी माना जाता है। हम जब भी खाना खाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं और नरिशमेंट की मतलब वो खाना हमारे शरीर में लगे तो उसकी देवी माना जाता है। तो कनाडा को ये 15 अक्टूबर से कनाडा से 15 अक्टूबर से को रिसीव किया गया था, और अभी अक्टूबर नवंबर तो एक महीना होता होगा, उनके भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते होंगे। तो एक्सप्लेनिंग इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताया कि कैसे ये यहाँ पे आई कनाडा में। तो योगी आदित्यनाथ जी जो है उन्होंने बताया कि 100 साल पहले ये अन्नपूर्णा माता की मूर्ति चोरी हुई थी, क्योंकि पुराने लोग होते हैं वो बताते हैं कहानियाँ और पता चलती रहती है, और बाद में वो जाके जब मिल जाती है तो पता चल गया होगा। तो एंडेड अप एट यूनिवर्सिटी इन कनाडा, तो कनाडा की यूनिवर्सिटी में वो पाई गई। तो और वहाँ पर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं या गवर्नमेंट के जाते हैं, तो वहाँ पे इसको एक्सचेंज ऑफ हैंड्स में इसको गवर्नमेंट को दिया गया और गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को इसको हैंड ओवर कर दिया। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं टूरिज्म और कल्चर के जी किशन रेड्डी, उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अरेंज किया ऐसे 55 आइडल स्कल्पचर और पेंटिंग जो वापस ले आई जाएंगी, नहीं नहीं खरीदी है, वापस ले जाएंगी, यहाँ से हमारे देश से चोरी हो गई थी या ले गए थे, वैसे तो बहुत ले गए थे लेकिन 55 अभी मतलब आएंगी, अभी और आनी है उसमें टोटल अभी 55 है मतलब। तो ये जो कनाडा गया था ये अभी वापस आ गया है, और काशी विश्वनाथ में 14 नवंबर मतलब 14 ऊपर 15 लिखा है तो 14 से 15, क्योंकि कार्तिक का महीना है तो शुभ भी है, तो स्थापित किया जाएगा, इसकी स्थापना की जाएगी वापस। और ये आइडल के साथ और भी बहुत सारे एंटीक्स आएंगे। तो रिसेंटली जो आ रहे हैं वो 157 आर्टिफैक्ट्स एंटीक्स गवर्नमेंट इंडिया को दिए गए, हैंड ओवर किए गए जब पीएम हमारे यूएस गए, और 157 आर्टिफैक्ट इंक्लूड, इसमें अलग अलग चीज़ें इंक्लूड होती हैं, नटराज की भी इसमें मूर्ति हैं जो बहुत बढ़िया है, सैंड स्टोन की मूर्तियाँ हैं। तो उस गवर्नमेंट ने बताया, इसके सोर्सेज ने बताया कि 13 एंटीक काइट्स वर रिट्रीव बाई इंडिया फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज बिटवीन 1976 टू 2013, मतलब 1976 से 2013 तक सिर्फ 13 एंटी काइट्स हमारे मतलब ये एंटीक्स या मूर्तियाँ हमारे देश में आई गई हैं, लेकिन 2014 जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई, यहाँ लिखा गया, और 2014 से 2021 के बीच करीबन 200 हमारी जो भी हमारे देश से धरोहर चुराई गई थी वो वापस लाई गई है। तो बहुत ही ज़्यादा
अच्छे काम हुआ ये, मतलब जो चीज़ हम ये नहीं कह रहे कि हमारी हमें कुछ अपने देश की चीज़ दो या हम कुछ ले, हमें हमारी चीज़ दो भाई, तो वो चीज़ें अभी वापस आ रही है और वापस स्थापित हो रही हैं, तो बड़े अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये था, अब आप अपना विचार भी इसमें रख सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।